हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है कि क्या टॉपिक है आज का। टॉपिक है शेयर खरीदता हूँ तुरंत गिर जाते हैं, शेयर बेचता हूँ ऊपर भाग जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार। क्योंकि कल के दिन देखिए अडानी टोटल गैस में काफ़ी लोगों ने खरीदारी करी थी, नीचे आ गया था। ओके, आज के दिन उनको अच्छी खासी जंप मिल गई थी, अपर सर्टिफिकेट लग गया था और दो दिन से शेयर गिर रहा था और लोगों ने अपर मतलब टॉप लेवल पर खरीद रखा है। तो इससे प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बताए हैं कि आपको पता चल जाएगी कि शेयर कब मतलब अगर भाग रहे हैं शेयर तो हमें कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। तो सिंपल सा टॉपिक है, वाई स्टॉक्स फॉल इमीजिएटली आफ्टर बाइंग और तुरंत ही क्यों मतलब बेच देते हैं तो क्यों भाग जाते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है, इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एज वेल एज बात करें, अब सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, आपका फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए। अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आप सभी को पता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान देना चाहे आप दीजिए। दान देना हमेशा पुण्य का काम होता है और दान देने वाले के पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इस आज की टॉपिक सिंपल है कि आने वाले जो अगला वीक है, अगले वीक में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्या कैसे कमा सकते हैं, किन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है ये वीडियो है, आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिए पूरी लास्ट तक। ओके, और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी और वीडियो बनाई है। बट अगला वीक आने वाला है तो क्यों आपसे कह रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। तो अगर बात करें किस शेयर से रिलेटेड बातें हैं, तो सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ ये, यहाँ आप देखिए कि आज के दिन 9 तारीख है, 9, 10 और 11 ये मार्केट बंद रहेगी, 10, 11 को, और 12 तारीख को मार्केट ओपन होगी और 16 तारीख तक यहाँ पर मार्केट चलने वाली है। आई थिंक इसमें एक दिन बीच में शायद छुट्टी हो सकती है। ओके, आप कंफर्म कर लीजिएगा, शायद कुछ जयंती वगैरह है, बट मार्केट चलने वाली है। तो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कुछ शेयर है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। क्यों देते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी कंपनी, तो देखिए 12 अप्रैल मंडे है, मंडे को TCS के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर बात करें TCS IT कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है और बात की जाए इसी पे सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई है, इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो आप समझ लेना कि इन्फोसिस जो 14 तारीख को रिजल्ट दे रहा है, माइंडट्री जो कि 16 तारीख को रिजल्ट दे रहा है, विप्रो जो कि 15 तारीख को रिजल्ट दे रहा है, चारों कंपनी के रिजल्ट इसी वीक में ये चार दिन मतलब 5 दिन के अंदर आ जाएंगे और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आ जाएंगे TCS का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया। तो TCS के रिजल्ट मंडे को आएगा, हम देखेंगे भी इसके रिजल्ट। और आपकी बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 3225 रुपए पे शेयर चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर। ओके, कोई डाउट है ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए एक सबसे बेहतरीन स्टॉक यहीं पर ही, IT का सबसे दिग्गज स्टॉक इसी माना जाता है। रिलायंस के बाद इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल है और दूसरे नंबर का हैवी वेट है। अगर बात की जाए यहाँ पर 3325 रुपये का प्राइस चल रहा है और यहाँ पर अगर आज के दिन की डिलीवरीज भी देखी जाए तो आज के दिन डिलीवरी लगभग 988,506 शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, लगभग 39%। तो क्यों उठाए गए हैं, तो जैसे कि आपको बता दिया 12 तारीख को रिजल्ट है और इसके जो टारगेट लोगों ने दे रखे हैं 3500 रुपये तक। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मंडे को ये शेयर बड़ी तेज भागेगा। ओके, और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो अगले दिन आपको और थोड़ा सा भागता हुआ नजर आएगा। बट आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, मेरे भी पोर्टफोलियो में है और इन शेयरों के जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो अगले दिन मैं चुपचाप निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ फॉलो करता हूँ तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो को मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर बात करें इसके बाद 14 तारीख को 14 अप्रैल को आपको इन्फोसिस के रिजल्ट नजर आएंगे जो कि 1441 पे शेयर चल रहा है। अगर बात करें 6 महीने के, 3 महीने से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, 3 महीने से सॉरी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है बट 3 महीने से जो मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, तो देखिए इसने यहाँ पर जो रिजल्ट दिए थे तो 1387 तक ये शेयर गया था, उसके बाद ये 1200-1250 रुपये तक नीचे आ गया था और उसके बाद ये शेयर ने रैली बनाई है। बट अगर बात की जाए इधर से 387 से लेकर अगर बात की जाए यहाँ पर ये शेयर
तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिए अभी तक, ये 4% के ही रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आया। बट इसके टारगेट मुझे लगता है 1550 से 1600 रुपये है, जो कि हमें अगले वीक आते हुए मिलेंगे। TCS के रिजल्ट आते ही साथ ये शेयर भी भागेगा, और ये शेयर भागेगा तो आपको 1550 से 1600 के रिटर्न मिलेंगे। और मैंने आप ऑलरेडी बता दिया, जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे मैं अपना पोर्टफोलियो IT कंपनी से बेचता जाऊँगा और दूसरे कंपनी में शिफ्ट करता जाऊँगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर 18,91,592 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए लगभग 38%। इसके अलावा विप्रो कंपनी की भी बात करें तो विप्रो कंपनी यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है यहाँ पर और अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया है। बट अगर हम बात करते हैं पिछले 6 महीने की, तो सेम गोज विद इट। अगर बात करें यहाँ पर 557 रुपये पर ही शेयर चल रहा था तो अपने रिजल्ट के टाइम पर, उसके बाद से लगातार गिरावट थी। अभी भी देखिए उसी डायरेक्टरी में यहाँ पर शेयर यहाँ पर चल रहा हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है, देखिए लो वीटा काउंटर है तो यहाँ पर 480 से लेके 490 रुपीज़ तक का यहाँ पर मुझे टारगेट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज के दिन में कितनी शेयर उठाए गए हैं, तो लगभग 29,33,143 2829% की यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर शेयर यहाँ पर भी उठाते हुए नजर आए हैं, जो कि अगले सप्ते बूम करता हुआ यहाँ नजर आएंगे। अगर बात करें Mindtree की, तो Mindtree पर देखिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार वीडियो बनाई है और अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। आपको अगर यहाँ पर भी देखें अप्रैल के इसके जैन के रिजल्ट के बाद भी ये शेयर थोड़ा सा डिप मारा, यहाँ पर शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था बाय ऑन डिप्स करिए, ये शेयर ऊपर जाने वाला है। उसके बाद इसने अच्छे खासे रिटर्न मिला 38% के, तो देखिए रिटर्न आपको दिए ही दिए, क्योंकि देखिए जो ये कंपनी लार्ज कैप है बट उसमें मिड कैप है और मिड कैप में ये सबसे बेहतरीन कंपनी नज़र आती है। और यहाँ पर अगर बात करें चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बेहतरीन है, और मिड कैप कंपनी के जो जो भागती है ना, वो जो रिटर्न्स देती है वो लार्ज कैप से ज़्यादा देती है, बट रिस्क इसमें ज़्यादा होता है और लार्ज कैप कंपनी में कम होता है, इसलिए इसी तरीके से यहाँ पर चूज़ करना होता है। बट अगर बात की जाए, ये अब एक बेस्ट कंपनी है, अशोक सूता साहब ने इसके फाउंडेशन करी थी, को फाउंडर थे वो। अगर बात की जाए यहाँ पर भी 1,57,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए और 20% शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाते हुए हमें नजर आए हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर ये शेयर कहाँ तक भाग सकता है, तो ये इसका टारगेट लोग 2350 से 2400 रुपये तक दे रहे हैं, तो शायद ये 2350 से 2400 रुपये तक जा सकता है। तो IT कंपनी में अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अगला सप्ताह IT के ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, तो जिस स्ट्रेटेजी को मैं फॉलो करने की बात कर रहा हूँ वो सिंपल स्ट्रेटेजी है। यहाँ TCS आपको दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर TCS चल रहा है ऑलरेडी। अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर RSI, जैसे ही RSI इस लेवल पर आती है ना, यहाँ पर अभी 69 की RSI चल रही है, और जैसे ही 70 और 80 के बीच में आती है तो ये शेयर गिरना शुरू हो जाता है। अगर हम जिसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पर देखिए नीचे शेयर यहाँ तक नीचे तक आया, इसके बाद रिजल्ट आए होंगे, रिजल्ट के बाद अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाया, फिर उसके बाद एक गिरावट, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, और फिर जब इसके दोबारा रिजल्ट आए थे आई थिंक 4th of January के आसपास आए थे, तो उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन ही इसने करा है, और ये शेयर फिर उसके बाद इसी लेवल 74 के RSI पे आने के बाद फिर एक अच्छी खासी इसने गिरावट दिखाई है, उसके बाद यहाँ पर बाउंस बैक। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जब ये RSI लगभग 70 और 80 के बीच में आ जाए, चुपचाप बेच के निकल जाइए, ओके, और फिर दोबारा आपको खरीदने का मौका मिलेगा। यही इसके पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे हर बार, तो इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनाया है। रिजल्ट के टाइम पे भागना, इसके बाद गिरावट, फिर उसके बाद भागना, इसके बाद गिरावट। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, जिसे स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, फॉलो करके आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हैं। और आपको बताइए इस तरीके से आप 5% कमा सकते हैं, और 5% कमाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि केवल 5% आप मंथली कमा लेते हैं ना, और 1,00,000 रुपये लगा के, तो कैसे आप 1,00,000 रुपये का निवेश करके 800 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, वो भी टैक्स वगैरह सब चीज देने के बाद। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखी जाएगा। 1,00,000 रुपये लगा के केवल 5%, और 5% कैसे कमाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। इसके अलावा इन्फोसिस भी देखोगे तो इन्फोसिस भी देखिए सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखाता है। देखिए ये रिजल्ट का टाइम था, रिजल्ट आया, रिजल्ट का तुरंत गया नीचे, और फिर यहाँ पर को अच्छा खासा मौका है, नीचे से खरीदिए ना, चुपचाप बेच के निकल जाइए और नीचे से खरीदिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े बहुत आपको पता है, तो फिर ये अच्छा खासी बैट है। अभी कितना 1400 का चल रहा है, 1500 तक अगर चला जाता है अपने रिजल्ट के टाइम पे,
तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद दोबारा ये अपने नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में लगभग 1600 रुपये तक, 1700 रुपये तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सेम गोज़ विद, अगर बात करें यहाँ पर विप्रो, विप्रो में भी देख सकते हैं PLI स्कीम भी इनकी लाइटिंग, लाइटिंग से बिजनेस करता है, तो ये PLI स्कीम का भी फ़ायदा इसे होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर सेम चार्ट पैटर्न ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे आया, तो इसलिए यहाँ पर जब ऊपर थोड़ा सा आ जाए तो चुपचाप बेच के निकल जाइए, मुझे मेरी सलाह तो ये है। बाकी आप अपनी खुद की स्टडी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, ओके। और हम बात करें माइंड ट्री की, माइंड ट्री भी मुझे सेम इसी तरीके का चार्ट पैटर्न, देखिए सेम सब में एक ही तरीके का चार्ट पैटर्न है, कोई ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, चुपचाप यहाँ पर आ गए, आपकी ये 70-80 का आपको दे, मतलब 70 और 80 के बीच में RSI आ जाए, चुपचाप बेच के निकल जाइए, ज़्यादा की लालच में मत पड़िए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, फिर नीचे आए, और इन्हीं शेयरों को खरीदना है, इन्हीं शेयरों पे आपको बार बार दाव लगाना है और पैसा बनता रहेगा। और ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल आपको नॉलेज है, लेवल वीडियो है, क्योंकि इसे ही मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो इसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी पोजिशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको फॉरन तौर पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।